होने भी वाला है, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि आप लोग सब अपने अपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केयर इंडिया जो है वो पूरे देश भर में, इनफैक्ट पूरे विश्व में जो है केयर इस आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे ये जो हम लोग का आज का थीम है वो ये है कि एक छोटी सी छोटा सा कदम भी जो है वो बड़ा, बहुत बड़ा एक चेंज ला सकता है। तो यहाँ पे हम एकत्रित हैं आज महिला दिवस के अवसर पर, बहुत सारी संस्थाओं ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, हमने अपना एक बैनर यहाँ पे रखा है जिसमें हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ना सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी जो है उसमें अपने हस्ताक्षर दर्ज करें, ताकि उनके दिमाग में ये रहे जब वो घर जाएं या समाज में महिलाओं को देखें कि हाँ हम कोई एक चीज़ छोटी से छोटी कोई एक चीज़ जो है हम करेंगे महिलाओं को समानता दिलाने के लिए। उन दीदी के साथियों को बुलाती हूँ कि वो एक बातिया है, उससे भी आग्रह करती हूँ मंच पे आए। सरस्वती हम लोग ये कह रहे हैं, तमाम सारे महिला संगठन मध्य प्रदेश के, जिसमें अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, मध्य प्रदेश लोक संघर्ष साझा मंच और भी बहुत सारे, बचपन है, बिटिया है, बहुत सारे संगठन हैं जो मिलके आज ये कर रहे हैं। आप ये जानते हैं कि 116 साल हो गए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हुए, लेकिन आज भी जो मांगे उन्होंने 116 साल पहले की थी वही मांगे आज भी प्रासंगिक हैं, ये हम मानते हैं। और साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि चाहे वह हिंसा का मामला हो, चाहे वो मजदूरी न मिलने का मामला हो, चाहे संपत्ति में हक न मिलने का मामला हो, ये सब कुछ चीज़ें जो है वो राजनीति से जुड़ी हुई होती हैं। और इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं, हम सारे संगठन मिलके ये कह रहे हैं, लेकिन राजनीति भी तब बदल सकते हैं जब हमारे अंदर एकता होगी। इसलिए हम महिलाओं से ये कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश की जो हालत है, जबकि लगातार एक तरफ हिंसा बढ़ती जा रही है, आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है वो सबसे असुरक्षित राजधानियों में से हो गई है। इसके अलावा आज प्रदेश के दलित और आदिवासियों के बीच में लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है। ये तमाम सारे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ आज हम एक पोस्टर का भी विमोचन करेंगे, जो आप जानते हैं कि कार्यस्थल पे यौन हिंसा का जो कानून आया है उसके, उसमें ये है कि हर ऑफिस में जो है वो कमिटीज़ होनी चाहिए। तो आज हम एक पोस्टर का विमोचन करेंगे, हमारी जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर नुसरत बानो रूही और सविता वाजपेयी जी, उर्मिला सिंह जी, उसका विमोचन करेंगे। और हम साल भर के कार्यक्रम की भी आज घोषणा करेंगे कि हम अगले साल तक कुछ कई मोहल्लों में, कॉलेजेस में कॉम्पिटिशन्स करवाएंगे। ये जो कार्यस्थल पर यौन हिंसा का कानून है वो कानून कहाँ कहाँ पालन हो रहा है ये भी हम देखेंगे, उनको पालन करवाएंगे नहीं तो आंदोलन करेंगे, ये सारा कार्यक्रम है। कन्या भ्रूण हत्या को लेकर ये है कि जो PCPNDT कानून बना है उसका बहुत ज़बरदस्त वायोलेशन होता है,
उसका कुछ भी नहीं है, उसको लेकर भी हमने कार्यक्रम बनाया है। अभी हम लोग एक कमेटी बनाने जा रहे हैं राज्य स्तर की, जिसमें हम खुद ही जो है वो चेक करेंगे कि किस तरीके से जो हॉस्पिटल्स हैं, जो नर्सिंग होम्स हैं, उसमें जो PCPNDT एक्ट के तहत जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ये हम खुद ही जो है चेक करने वाले हैं।